हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियंट जोन की इस इकोनॉमिक क्लास में। दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कंट्रोल ऑफ मनी इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन इंडिया। इसकी चर्चा हम लोग प्रेम पूर्वक आपस में मिलजुल कर रहे थे, ठीक। उसमें हमने आपको बताया था क्या चीज़ कि भारत में मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के दो उपाय, एक है मौद्रिक नीति जो कि आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है और एक है राजकोषीय नीति जो कि सरकार के द्वारा बनाई जाती है और जारी की जाती है, ठीक। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी के भी दो भाग होते हैं, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति के भी दो भाग होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड यानी परिमाणात्मक या मात्रात्मक विधि और दूसरा होता है क्या चीज, क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव मेथड यानी गुणात्मक विधि या चयनात्मक विधि। फिर हमने आपको बताया था कि गुणात्मक विधि और राजकोषीय नीति की चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यानी क्वांटिटेटिव मेथड मात्रात्मक विधि, यानी इस माध्यम से क्वांटिटेटिव माध्यम से मात्रात्मक विधि के माध्यम से आरबीआई जो है वो मुद्रा बाजार पर नियंत्रण करता है, यानी अर्थव्यवस्था में कितनी लिक्विडिटी तरलता यानी मुद्रा की पूर्ति होनी चाहिए ये उस पर नियंत्रण करता है, ठीक है। तो ये किस माध्यम से, कैसे, वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन से टूल्स है, यंत्र है जिसके माध्यम से आरबीआई क्या करता है, इस मार्केट में लिक्विडिटी यानी तरलता को यानी मनी सप्लाई को नियंत्रित करता है। हमने वहाँ पे बहुत सारे टूल्स की चर्चा किए थे, यानी मात्रात्मक विधि में हम लोग बहुत सारे टूल्स की चर्चा किए थे। क्या चीज़ था वहाँ पे? था आपका बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR वगैरह वगैरह, MSF, OMO, ये सब था, ठीक। हमने चर्चा दो चीज़ों का चर्चा कर दिया था कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ बैंक रेट एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ रेपो रेट। तो हमने बताया था आपको कि RBI जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है, RBI जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है उसे रेपो दर कहते हैं। और हमने ये भी बताया था कि RBI जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देती है उसे हम क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। यहाँ पर हमने आपको पूरा चीज़ बताया था और हमने ये भी बताया था कि बैंक दर की एक और परिभाषा है, ये क्या है, प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर RBI जो पुनर्कटौती करता है उस दर को भी हम क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं, ठीक। आज हम ये पढ़ेंगे कि RBI बैंक दर, यानी हम लोग परिभाषा समझ गए, मतलब समझ गए कि व्हाट इज द मीन ऑफ रेपो रेट एंड बैंक रेट। तो आज अब हम ये समझेंगे कि बैंक दर और रेपो दर के माध्यम से RBI किस प्रकार मुद्रा स्फीति का नियंत्रण करता है और किस प्रकार मुद्रा संकुचन का नियंत्रण करता है। तो पहला हेडिंग आप बना लीजिएगा, क्या चीज, पहला आप हेडिंग यही बनाइएगा कि RBI लिखिएगा कंट्रोल ऑफ, यहां पर हेडिंग दे दीजिएगा क्या चीज, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन बाय बैंक रेट एंड रेपो रेट, ठीक। यहाँ पे हम आपको हिंदी लिख दे रहे हैं, इसका हिंदी क्या है, इसका हिंदी लिख दे रहे हैं कि बैंक दर तथा रेपो दर के माध्यम से मुद्रा स्फीति का नियंत्रण, ये आप हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। देख ले, दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ जी, चलिए, सब कुछ दिखाई दे रहा है। आइए आगे हम बढ़ते हैं, ये आपका पॉइंट हो गया ना। अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि RBI जो है वो बैंक दर और रेपो दर के माध्यम से कैसे मुद्रा स्फीति को नियंत्रित कर लेता है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम पॉइंट लिख दे रहे हैं क्या चीज कि मुद्रा स्फीति की स्थिति में आरबीआई बैंक रेट तथा
रेपो रेट में वृद्धि कर देता है, वृद्धि कर देता है। चलिए, ये पॉइंट आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। क्या दिमाग में बैठा लेना है आपको कि मुद्रा स्फीति की स्थिति में, जब भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति होगी यानी महंगाई होगी, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बैंक रेट तथा रेपो रेट में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। यानी ब्याज दर, यानी जिस दर पर हमने बताया कि बैंक रेट और रेपो रेट के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं, आरबीआई से उधार लेते हैं, तो उस दर को क्या करता है, आरबीआई महंगा कर देता है। कब? यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति होगी तब। तो इसका प्रभाव क्या होता है, तो जैसे ही आरबीआई मुद्रा स्फीति की स्थिति में बैंक रेट तथा रेपो रेट में वृद्धि करेगा, तो बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से उधार लेना महंगा हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, ठीक, एक बार में क्लियर हो जाएगा, फिर हम लिख देंगे। तो जैसे ही मुद्रा स्फीति की स्थिति में, मुद्रा स्फीति है तभी आरबीआई क्या किया, बैंक रेट और रेपो रेट में वृद्धि कर दिया। ठीक, तो इसकी वजह से क्या हुआ, वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से उधार लेना महंगा हो जाएगा, महंगी ब्याज दर पर मिल रहा है, तो ब्याज उनसे उधार लेना यानी वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से उधार लेना महंगा हो जाएगा, क्योंकि ऊंची ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है। तो उनके पास उधार देने के पास, यानी बैंकों के पास, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने की क्षमता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि महंगी ब्याज दरों पर सब कोई कम ऋण लेता है। तो जब वाणिज्यिक बैंकों की उधार देने की क्षमता में कमी हो जाएगी, तो वो बाजार में क्या करेंगे, जब उनके पास उधार देने की जो रकम होती है, वो क्षमता जो है, वो कोष जो है, वो कम हो गया है, तो बाजार में वो क्या करेंगे, वो बाजार के में कम ऋण देंगे, और जो देंगे वो महंगी ब्याज दर पर देंगे। जो देंगे वो क्या चीज, महंगी ब्याज दर पर देंगे, क्योंकि उनको भी महंगा मिला है आरबीआई से, तो महंगी ब्याज दर पर लेंगे। तो बाजार में जो लोग ऋण लेते हैं वो क्या चीज, कम लेंगे बैंकों से, वाणिज्य बैंकों से। बाजार के जो लोग हैं, जैसे वो कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर है, वो कम ऋण लेंगे। तो जब वो कम ऋण लेंगे तो बाजार में नगदी यानी मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाएगी। तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाएगी तो लोगों की खरीदने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो लोगों की खरीदने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, तो मांग कम हो जाएगी, और जब मांग कम हो जाता है तो कीमत कम हो जाता है। और यहाँ पे कीमत करना ही तो आरबीआई का उद्देश्य था, क्योंकि मुद्रा स्फीति क्या है, मुद्रा स्फीति की स्थिति में कीमतें बढ़ती है, तो यहाँ पे कीमतों को कम कर दिया जाएगा इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से, तो मुद्रा स्फीति का नियंत्रण हो जाएगा। तो जो चीज़ हमने आपको समझाया उसी को यहाँ पर हम सिक्वेंस में लिख दे रहे हैं कि आपको दोबारा कभी भी समझने की दिक्कत ना हो, आप एक बार पढ़ के समझ लें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मुद्रा स्फीति की स्थिति में आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट में वृद्धि कर देता है, जिसके कारण क्या होगा, वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से उधार लेना महंगा हो जाएगा। ठीक, जिसके कारण क्या हो जाएगा, उनके पास यानी वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने की क्षमता में कमी होगी, और उधार देने की क्षमता में वाणिज्यिक बैंकों के पास कमी होगी, तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति या तरलता में क्या हो जाएगी कमी होगी। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि लोगों की क्रय शक्ति या खरीदने की क्षमता में कमी हो जाएगी। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग में कमी हो जाएगी। और जब मांग में कमी होगी तो कीमतों में क्या हो जाएगी, यानी
मुद्रा स्फीति का नियंत्रण हो जाएगा। मुद्रा स्फीति का नियंत्रण यानी यहाँ पे आरबीआई मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए मनी सप्लाई पर टारगेट कर रहा है, मनी सप्लाई पर, डिमांड पर टारगेट कर रहा है। कि मुद्रा स्फीति की स्थिति में हमने आपको क्या बताया था, जब मुद्रा स्फीति पढ़ाए थे, जो लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो जाके शुरू से एक एक क्लास करिए, 1, 2, 3 करके ऐसे इकोनॉमी की क्लास करिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। मुद्रा स्फीति जब हमने पढ़ाया होगा तो उसमें बताए थे आपको कि आखिर में मुद्रा स्फीति का मतलब कीमतों का बढ़ना। तो कीमतें बढ़ी क्यों? क्योंकि मुद्रा स्फीति की स्थिति में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। तो जब मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना है तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है, लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई है, तो आरबीआई क्या करता है, उसको कम कर देता है, उसको कम कर देता है। कैसे? तो बैंक रेट और रेपो रेट में वृद्धि कर देता है, जिसकी वजह से बाजार में जो ऋण है, जो पैसा है, मनी सप्लाई है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, यानी लोगों के पास पैसे का अभाव हो जाएगा, तो मांग कम हो जाएगी, और जब मांग कम होगी तो कीमत कम हो जाएगी, और मुद्रा स्फीति का क्या क्या हो जाएगा, नियंत्रण। तो यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट याद रखना है कि मुद्रा स्फीति की स्थिति में आरबीआई जो है वो बैंक रेट तथा रेपो रेट में वृद्धि कर देता है। ये प्री में न जाने बहुत बार सवाल, ये बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है ना, कि मुद्रा स्फीति की स्थिति में आरबीआई क्या कदम उठाता है। तो रेपो रेट और बैंक रेट में वो वृद्धि कर देता है, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही वृद्धि करेगा तो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से उधार लेना महंगा हो जाएगा। ठीक, वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से उधार लेना महंगा, तो वाणिज्यिक बैंकों के पास जब उधार इन्हें महंगा मिलेगा तो ये कम ऋण लेंगे, तो वाणिज्यिक बैंकों की उधार देने की क्षमता में कमी। तो जब इनके पास पैसा नहीं है तो बाजार में ये कम पैसा देंगे, और जो भी देंगे वो महंगी ब्याज दर पर लेंगे, तो महंगी ब्याज दर पर बाजार के लोग यानी बाजार में जो भी होंगे वो कम ऋण लेंगे, तो उनके पास पैसे का अभाव हो जाएगा, तो क्रय शक्ति घट जाएगी, यानी बाजार में मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी, तो लोगों की क्रय शक्ति या खरीदने की क्षमता में कमी, जिसके कारण मांग में कमी हो जाता है, तो कीमत में कमी, और मुद्रा स्फीति का नियंत्रण हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आइए, अब यहां पर हम देखते हैं कि इन दोनों के माध्यम से हमने क्या टॉपिक दिया, कि यहां पर क्या चीज, इन्फ्लेशन को नियंत्रित किया जाता है। अब इसी बैंक रेट और रेपो रेट के ही माध्यम से डिफ्लेशन को भी नियंत्रित आरबीआई करेगा, कैसे वो आइए अब देखते हैं। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का उल्टा ही क्या है, डिफ्लेशन की अवस्था है। तो हर चीज इसको उलट दे देना है, ठीक है, मिटा दें इसे एकदम। बिल्कुल आप लोगों ने नोट कर लिया, बिल्कुल, चलिए ओके। हाँ जी, अब आइए, ये हो गया इतना। अब हेडिंग दे दीजिएगा, हेडिंग दे दीजिएगा, एक मिनट, चलिए जी, गर्मी आ गई है, गर्मी लग रही है। अब यहां पे हेडिंग दे दीजिएगा आप, कंट्रोल ऑफ, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेशन, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेशन, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेशन बाय बैंक रेट एंड रेपो रेट। ठीक, हिंदी इसका लिख लीजिएगा, क्या चीज, हिंदी इसका लिखिएगा, बैंक दर तथा रेपो दर के माध्यम से, रेपो दर के माध्यम से, रेपो दर के माध्यम से मुद्रा संकुचन का, मुद्रा संकुचन का नियंत्रण, मुद्रा संकुचन का नियंत्रण। ठीक, चलिए, मुद्रा संकुचन क्या होता है, मुद्रा संकुचन की स्थिति में आप जानते हैं, पहले बता चुके हैं आपको, मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से
मुद्रा संकुचन की स्थिति में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों की क्रय शक्ति गिर जाती है और वो वस्तु तथा सेवाओं की मांग कम करते हैं, जिसकी वजह से कीमतें जो है वस्तु तथा सेवा की जो कीमतें हैं वो लगातार नीचे गिरते जाती है। ये भी अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, खतरनाक है, क्योंकि कीमतें जब लगातार गिरेगी, मांग नहीं होगा तो उत्पादन कार्य जो होता है वो ठप हो जाता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में रोजगार नहीं मिल पाता है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है और अर्थव्यवस्था में निराशा का माहौल छा जाता है। तो यहां पे आरबीआई क्या उद्देश्य क्या है कि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की पूर्ति में जो कमी है उसको यहां पे वो दूर करेंगे, यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर आरबीआई क्या करेगी, लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाएगी, जिससे वस्तु तथा सेवा की मांग में वृद्धि होगी और मांग में वृद्धि होगी तो कीमतों में वृद्धि होगी, तो उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी और बेरोजगारी में कमी होगी, यानी अर्थव्यवस्था में खुशहाली छा जाएगी। तो आइए हम इसको देखते हैं, इस कंडीशन में आरबीआई क्या करता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर लिखिएगा, इस कंडीशन में कि मुद्रा संकुचन की स्थिति में, मुद्रा संकुचन यानी क्या चीज, डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन की स्थिति में आरबीआई रेपो दर तथा बैंक दर में कमी कर देगी। ठीक, चलिए देख ले, थोड़ा सा दिखाई तो दे रहा है ना ऊपर, हाँ एकदम बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए अब आइए, मुद्रा संकुचन की स्थिति में आरबीआई रेपो दर तथा बैंक दर में कमी कर देगी। तो अब क्या होगा, जैसे ही कमी करेगी तो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से बड़ी मात्रा में एकदम बिल्कुल सब उसका उल्टा कर दीजिए, बड़ी मात्रा में उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। तो बाजार में तरलता की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगा और इसके कारण क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाएगी और लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी तो क्या होगा, वस्तु तथा सेवा, यानी सीधी सी बात है, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि तो मांग में वृद्धि हो जाएगा और मांग में वृद्धि होगा तो कीमत में वृद्धि हो जाएगा, यानी मुद्रा संकुचन का नियंत्रण बड़े प्रेम से यहाँ पर आरबीआई कर लेगा। ठीक, हमने आपको बताया कि मुद्रा संकुचन में कीमतें गिरती है और कीमतों को ऊपर उठाना है आरबीआई का, यहाँ पर उद्देश्य क्या है, कीमतों को ऊपर उठाना है। तो कैसे, तो मुद्रा की पूर्ति को बाजार में बढ़ाकर। तो आरबीआई मुद्रा की पूर्ति को बाजार में किस प्रकार से बढ़ाएगी, तो आरबीआई क्या करेगा, मुद्रा संकुचन की स्थिति में, ये याद रखिएगा, ये एकदम पक्का, मुद्रा संकुचन की स्थिति में आरबीआई जो है वो रेपो दर तथा बैंक दर में क्या कर देगा, कमी कर देगा। तो बैंक दर में कमी कर देगा तो वाणिज्यिक बैंकों को सस्ती दरों पर लोन मिलेगा, सस्ती दरों पर उधार मिलेगा, ऋण मिलेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा ऋण लेंगे आरबीआई से। तो यहां पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से बड़ी मात्रा में उधार लेंगे, क्यों, क्योंकि आरबीआई उन्हें सस्ती दरों पर ऋण दे रहा है, जिसकी वजह से वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगा। तो जब बैंकों के पास बड़ी मात्रा में पैसा होता है, उधार देने वाला कोष होता है, तो बाजार में सस्ती दरों पर ऋण देते हैं। बाजार में सस्ती दरों पर क्या करेंगे, बाजार में तरलता की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो सस्ती दरों पर बाजार में ज्यादा से ज्यादा ऋण देंगे।
तो सस्ती दरों पर बाजार में जो भी व्यक्ति होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेंगे, यानी होम लोन लेंगे, कार लोन लेंगे, बाकी बहुत सारा बिजनेस लोन लेंगे, सब प्रकार का लोन लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सस्ता मिल रहा है। तो इसके कारण क्या हुआ कि बाजार में तरलता की मात्रा में वृद्धि, तो लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, बैंकों से उधार सस्ता मिल रहा है, तो इसके वजह से वस्तु तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी। तो जब मांग में वृद्धि होगी तो कीमत में वृद्धि होगी और मुद्रा संकुचन का नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पे RBI मुद्रा इन्फ्लेशन में मुद्रा की पूर्ति को घटा रहा है और डिफ्लेशन में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा रहा है। तो ये सब कुछ नियंत्रित और नियोजित तरीके से की जाती है, यानी मार्केट से कितना पैसा निकालना है और मार्केट में कितना पैसा डालना है, ये सब कुछ पहले से प्री प्लान करके एक प्लान के तहत किया जाता है, ठीक है ना, एक बिल्कुल प्लान के तहत किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि RBI बैंक रेट और रेपो रेट के माध्यम से कैसे इन्फ्लेशन को नियंत्रित करता है और कैसे डिफ्लेशन को नियंत्रित करता है, इन दोनों को यहाँ पे हम लोगों ने बड़े प्रेम से आरामपूर्वक पढ़ा। कोई दिक्कत, चलिए तो ठीक, अब फिर हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, रेपो रेट के बारे में चर्चा करेंगे और CRR और SLR के बारे में चर्चा करेंगे और वहाँ पर उनके कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम फिर ये भी वहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं पढ़ेंगे कि RBI जो है वो क्या चीज़ CRR, SLR और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से कैसे मुद्रा स्फीति को नियंत्रित कर लेता है और कैसे मुद्रा संकुचन को नियंत्रित कर लेता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन लास्ट में यही कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और बताइए कि आपके लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए अमूल्य है, हम उस पर एकदम बखूबी ध्यान देंगे और आपका ये अपना ही चैनल है, ठीक है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे क्या करिए, फॉरवर्ड करिए, बढ़ाइए, बताइए कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले टाटा बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।